फिटनेस आपके शरीर की वो क्षमता है जिसमें आपके शरीर के विभिन्न अंग एक साथ कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं और वो आपको सहायता कर रहे हैं एक स्वस्थ जीवन जीने में, उसको हम फिटनेस कहते हैं। अगर आपको पता करना है कि आप फिट हैं या नहीं, तो सबसे पहले अपना वजन चेक करें, अगर आपका वजन सामान्य रेंज में है। दूसरा, अगर आपको कोई जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्या नहीं है और जो दैनिक गतिविधियां होती हैं उसके अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी भी आप कर ले रहे हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आ रही है, तो आप मान सकते हैं कि आप फिट हैं। लोग जो हैं ब्लैक और व्हाइट में जीना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर किसी दिन फिटनेस उनके दिमाग पर आया तो पूरे पूरे दिन अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे और जिम भी जाएंगे और योगा भी करेंगे और एक एक चीज बिल्कुल नाप तोल कर खाएंगे। लेकिन किसी दिन अगर उनका मन उतर गया कि यार बोरिंग लग रहा है, तो उसके बाद वो मिठाइयाँ भी खाएंगे, उसके बाद वो प्रोसेस्ड फूड भी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाएंगे और बेड पर पड़े रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसी वजह से जो आपने जो कुछ भी अर्जित किया है फिजिकल फिटनेस के लिए, जिम जाकर या वर्कआउट करके या डाइट का ध्यान रखें, आप वापस उससे उसको गंवा देंगे जब आपने उस लाइफस्टाइल को छोड़ दिया और बिल्कुल ही आपने अस्वस्थ जीवन शैली अपना ली। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके खराब दिन है उनको बहुत ज्यादा खराब होने से बचें। अगर आपको लग रहा है कि अब वर्कआउट करना संभव नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं। अगर आप शाम को खाने के बाद एक लंबी वॉक पर निकल जाते हैं, उतना भी काफी है। अगर आपको लगता है कि आज मुझे मिठाई खानी ही पड़ेगी, तो मिठाई का एक ही पीस खाएं। अगर आपको लगता है कि आज बाहर खाना खाना ही पड़ेगा, तो उसको कम खाएं। ये नहीं है कि आप हमेशा ही एक बिल्कुल आइडियल फिटनेस वाली लाइफ ही जिए। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि अब वी आर गोइंग साउथ या हमारा फिटनेस हम खोते जा रहे हैं, तो पहचानिए कि आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसी में। आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन प्रतिदिन 30 मिनट के लिए शारीरिक गतिविधि करनी है। इसके लिए आप अगर आप जिम जा सकते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर आप जिम नहीं जा सकते, तो अगर आप सिर्फ जॉगिंग करते हैं या सिर्फ साइकिलिंग करते हैं या योगा करते हैं, इस तरह की बहुत सारी शारीरिक गतिविधियां होती हैं जो कि स्वास्थ्यकारी होती हैं। तो अगर आप सुबह उठकर वॉक के लिए निकल जाएं, साइकिलिंग करें या योगा करें, इस तरह से आप खुद देखेंगे आपके आपके स्वास्थ्य में एक सुधार होने लगेगा अपने आप। आपको खुद आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई शरीर में ऊर्जा आ गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसके असर बहुत दिनों बाद देखने को मिलते हैं। व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर में एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपके शरीर की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको बढ़ा देते हैं। आप अपने आप हैप्पी फील करते हो। अक्सर ये होता है कि एक बार जो इंसान शुरू कर देता है, उसके बाद फिर उसको वापस लौटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको इसकी आदत पड़ जाती है और उसको अच्छा लगने लगता है। फिटनेस बनाए रखने के लिए भारी भरकम एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। अगर आप कर ले रहे हैं, आपका शरीर अलाव करता है, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं, लेकिन जरूरी चीज नहीं है। जरूरी ये है कि आप 30 मिनट प्रतिदिन फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे आपका जो हृदय की गति है, यानी कि आपका हार्ट रेट है, वो आपको बढ़ता हुआ महसूस हो। धीरे धीरे चलने से नहीं, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, इस तरह की एक्टिविटीज जिसमें आपके हार्ट पर थोड़ा जोर पड़ता है, हार्ट पर थोड़ा लोड पड़ता है, उसको हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना तो बहुत ही आसान है, उसके लिए कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, उसके लिए बस आपको अपने अंदर थोड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। बहुत आसान है, जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाकर पसीना बहाएं तभी आप फिट रह सकते। आप जब भी अपने थाली को देख रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि विभिन्न रंगों के उसमें खाद्य पदार्थ मौजूद हो। उससे यह होता है कि अलग अलग तरह के जब आप खाने के व्यंजन आप अपनी थाली में लेते हैं, तो उससे आपका माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। अलग अलग तरह के विटामिंस, अलग अलग तरह के मिनरल्स उसमें आ जाते हैं। और जहां तक बात आपकी मैक्रो न्यूट्रिशन की है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट्स की, तो जो एक अनुपात है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनकी क्वालिटी क्या है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो फैट यूज कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का फैट है। एनिमल फैट्स जैसे कि घी और बटर ये अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, जैसे कि कच्ची घानी सरसों का तेल, ये अच्छे माने जाते हैं। ऑलिव ऑयल अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स का उपयोग कम से कम करें। इसके अलावा 30% आप कार्ब्स अपनी थाली में ले सकते हैं। कार्ब्स में आपको देखना यह है कि आप जो ले रहे हैं कार्ब्स, क्या वो सिंपल कार्ब्स हैं या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। हमेशा सिंपल कार्ब्स का लेवल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के मुकाबले काफी कम रखना चाहिए। सिंपल कार्ब्स यानी कि जो आपकी चीनी वाली चीजें हैं, जैसे कि आप चाय में चीनी डाल रहे हैं, कॉफी में शक्कर डाल रहे हैं, मिठाइयाँ ले रहे हैं, चॉकलेट यूज कर रहे हैं,
ये सब आपके सिंपल कार्ब्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी कि जो आपके चावल से आ रहा है, आलू से आ रहा है, अगर आपको कार्ब्स लेना ही है तो कोशिश ये करें कि सिंपल कार्ब्स कम से कम करें और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को बढ़ाएं। इसके अलावा फाइबर का एक इंटेक आपके डाइट में बहुत जरूरी है, दिन में कम से कम 30-40 ग्राम फाइबर आपकी डाइट में जाना ही चाहिए। फाइबर से फायदा यह होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन कर देता है फाइबर। तो कार्ब्स आपने लिया, साथ में आपने फाइबर भी लिया, तो वो कार्बोहाइड्रेट एकदम से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, जिस वजह से आपका ब्लड शुगर बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है। इस वजह से आप मोटापे से बचे रह सकते हैं। बाकी दिन में 40% अपना प्रोटीन इंटेक रखें, जो कि बहुत ही डेफिशिएंट है हमारी भारतीय डाइट में। अगर आपको जो आपका बॉडी वेट है उसको मेंटेन करना है, उसको कम करने की जरूरत नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जितने किलो के आप हैं उतने ग्राम प्रोटीन कम से कम आपको चाहिए, और इतना भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारी भारतीय डाइट में। तो बहुत कॉन्शियसली ये काम करना होता है, एक दो बार कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है कि कितने ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी में। 60 किलो का अगर कोई इंसान है तो 60 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए ही चाहिए, जो कि मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस अनुपात में आप अपनी थाली में चीजों को रख सकते हैं।